Dear students, today we will start chapter 6, that is lines and angles. Before starting this chapter, I would like you to tell special type of pairs formed when a line intersects two transversals. You can see M and N are two lines and L is intersecting them at distinct places. Therefore, L is a transversal. So, let's see what type of angles are formed when a line intersects two transversals. बेटा ये बहुत जरूरी है कि आप ये चीजें बड़े ध्यान से सुनें क्योंकि पूरे चैप्टर में इनकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है. तो पहले exterior angles. जो एंगल बाहर बने हुए हैं वो सब एक्सटीरियर एंगल्स हैं. 1, 2, 7 and 8. एंगल 1, 2, 7, 8. दीज ऑल आर एक्सटीरियर एंगल्स. देन इंटीरियर एंगल्स. जो एंगल आपको अंदर दिखाई दे रहे हैं 3, 4, 5, 6 ये इंटीरियर एंगल है. एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6. दीज ऑल आर इंटीरियर एंगल्स. देन लीनियर पेयर. टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेट टू फॉर्म अ लीनियर पेयर इफ सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री. तो जिन दो आप यहां कह लीजिए पड़ोसी एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री हो तो वो लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं. जैसे 1 और 2 ये एक लाइन है. अगर एक लाइन को दूसरी लाइन काटते हैं तो जो आजू बाजू एंगल बनते हैं उन्हें हम कहते हैं लीनियर पेयर. इस फिगर में 1 और 2 लीनियर पेयर है. इनका सम क्या होगा 180 डिग्री. 1 प्लस 2 180 डिग्री बिकॉज दे फॉर्म ए लीनियर पेयर. और कौन कौन से लीनियर पेयर फॉर्म हो रहे हैं 2 and 3. So sum of angle 2 and 3 will also be 180 degree because they too form a linear pair. 3 and 4. Then 1 and 4. Then 5 and 6 form a linear pair. Angle 5 and 6. Then 6 and 7. Then 7 and 8. And then 8 and 5 or 5 and 8. The sum of linear pair is always 180 degree. Then vertically opposite angles. Two angles are said to form a pair of vertically opposite angles if their arms form two pairs of opposite rays. Agar aap साधारण भाषा में समझें तो जब दो लाइन एक दूसरे को काटती है तो जो आमने सामने एंगल बनते हैं उनको वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कहते हैं. जैसे ये एल और ये एम एक दूसरे को काटते हैं तो आमने सामने कौन से एंगल बन रहे हैं 1 और 3, 2 और 4. तो 1 और 3 वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, 2 और 4 वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, 5 और 7, 6 और 8 ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स का जोड़ है. और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं. तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. देन एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स.
degree opposite angles. Then comes alternate angles. Alternate angles का pair होता है, अगर line parallel हो तो alternate angles equal होते हैं और अगर alternate angles equal हो तो line parallel होते हैं. Suppose कर लेते हैं M और N parallel lines हैं, तो alternate angle की formation क्या होती है, exterior angle का alternate exterior में मिलेगा और interior का pair interior में मिलेगा, साइड चेंज करनी पड़ेगी. तो ये एंगल फॉर इंटीरियर एंगल है, साइड चेंज कर देंगे तो इसका अल्टरनेट एंगल हो जाएगा 6, क्योंकि लाइन पैरेलल है इसलिए 4 और 6 इक्वल हो गए. एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, रीजन इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. इसी तरह से एंगल 3 राइट साइड में अंदर की तरफ है, एंगल 5 लेफ्ट साइड में अंदर की तरफ है. एंगल 3 और 5 अल्टरनेटिव एंगल्स हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. इसी तरह से बाहर का अल्टरनेट बाहर मिलेगा आपको. एंगल 2 एक्सटीरियर है, साइड चेंज कर दी तो इसका एक्सटीरियर 8 बन जाएगा. तो एंगल 2 इक्वल्स टू 8 एंड दिस टाइम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 7, रीजन इज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. माइंड इट, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल इफ लाइंस आर पैरेलल देन कोरस्पोंडिंग एंगल्स. कोरस्पोंडिंग एंगल्स का भी पेयर तभी हमारे काम आता है जब पैरेलल लाइंस, अगर लाइन पैरेलल हो तो कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं, अगर कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो तो लाइन पैरेलल होती है. तो सपोज करते हैं हमारे पैरेलल लाइन है. अब देखो कोरस्पोंडिंग एंगल की पहचान क्या है, कोरस्पोंडिंग एंगल एक ही तरफ होते हैं, जिस तरह से अल्टरनेट एंगल की साइड चेंज होती थी उस तरह से कोरस्पोंडिंग एंगल की साइड चेंज नहीं होती, ये एक ही साइड में रहते हैं. एंगल 1 लिया, 4 छोड़ दिया, 5 ले लिया, एक ही साइड में एक छोड़ के एक, 1 4 छोड़ दिया 5. अगर लाइन पैरेलल है तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 एंड द रीजन इज कोरस्पोंडिंग एंगल्स. एंगल 4 5 छोड़ा 8, साइड चेंज नहीं होगी, एक ही साइड में होंगे. एंगल 2 3 छोड़ा 6, एंगल 3 6 को छोड़ दिया 7, तो वंस अगेन आई रिपीट इफ लाइंस आर पैरेलल देन कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल एंड इफ कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल देन इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इनको हम को इंटीरियर एंगल्स भी कह सकते हैं. अगर लाइन पैरेलल हो तो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. तो ये देखिए आप, ये दो लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, ये एक ही तरफ के अंदर के एंगल है, तो 4 और 5 इन्हें हम कहेंगे को इंटीरियर एंगल्स. लाइन पैरेलल है तो इनका सम होगा 180 डिग्री. तो एंगल 4 प्लस 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड द रीजन इज को इंटीरियर एंगल्स. सिमिलरली एंगल 3 प्लस 6 दे आर ऑल्सो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इनका सम भी हो जाएगा 180 डिग्री. एंगल 3 प्लस 6 ये भी एक ही तरफ के अंदर के एंगल है, तो इनका सम भी 180 डिग्री. Let's start sum number 1. In the sum, you are given a figure in which line AB and CD intersect at O, angle AOC. Angle AOC, this one is angle AOC, this one is BOE. The sum of these two angles is 70 degree. In the angle ka sum 70 degree hai.
बी ओ डी ये एंगल 40 डिग्री का है, आपको बी ओ ई और रिफ्लेक्स थ्योरी निकालना है। तो पहले हम निकालते हैं एंगल बी ओ ई, एंगल्स के मैंने नंबर दे दिए हैं, नंबर देने से सब थोड़ा आसान हो जाता है, इसलिए मैंने एंगल्स के नंबर डाल दिए हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70 डिग्री, एंगल ए ओ सी की वैल्यू हमारे पास है 1, एंगल 1 प्लस 2 इक्वल टू 70 डिग्री इट इज गिवन। व्हाट कैन यू से अबाउट एंगल 1 एंड 4? एंगल 1 और 4 कैसे एंगल है? वर्टिकली अपोजिट, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल 4 मीन्स एंगल बी ओ डी, बी ओ डी की वैल्यू दे रखी है 40 डिग्री, तो एंगल 1 इक्वल टू 40 डिग्री क्योंकि 4 की वैल्यू 40 डिग्री है। एंगल 1 की वैल्यू आप 40 डिग्री लगाओ प्लस 2 इक्वल टू 70 डिग्री, तो एंगल 2 इक्वल टू 70 माइनस 40, 70 माइनस 40 दैट इज 30, एंगल 2 की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। एंगल 2 को हम क्या समझ सकते हैं? एंगल बी ओ ए, देयरफॉर एंगल बी ओ ए इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ए, रिफ्लेक्स सी ओ ए निकालने के लिए पहले अपने को सी ओ ए ढूंढना पड़ेगा। सी ओ ए का मतलब है एंगल 3, ये एंगल सी ओ ए दैट मींस एंगल 3। तो इसको करने के लिए देखो आप ए बी एक लाइन है, लिख देते हैं ए बी इज अ लाइन। अगर ए बी लाइन है तो इसके ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे इन सब का सम 180 होगा। स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने एंगल है 1, 3, 2 इन सब का सम 180 है। तो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, रीजन ए बी इज ए लाइन। अब 1 प्लस 2 की वैल्यू हमारे पास 70 डिग्री है, तो 1 प्लस 2 की वैल्यू 70 डिग्री हम पुट कर देते हैं, 70 प्लस 3 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री दैट इज 110 डिग्री। तो ये हमारा एंगल 3 आ गया, एंगल 3 की वैल्यू हमारे पास होगी 110। एंगल 3 का मतलब एंगल सी ओ ई, एंगल 3 का मतलब एंगल सी ओ ई। अब हमें इसका रिफ्लेक्स एंगल ढूंढना है। जब किसी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना हो तो उसको 360 में से कम कर देते हैं तो उसका रिफ्लेक्स निकल आता है। रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है, तो जो एंगल 180 से बड़ा होगा उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल सी ओ ई, सी ओ ई की वैल्यू हमारे पास 110 डिग्री है, तो 360 माइनस 110 दैट इज 250 डिग्री। तो ये हमारा दूसरा आंसर आ गया 250 डिग्री। लेट अस स्टार्ट सम नंबर 2, फिगर इज गिवन। एंगल पी ओ वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो लेट नेम दिस एंगल एज डी, एंगल पी ओ वाई का नाम मैंने डी रख दिया। रेशियो ऑफ ए टू बी इज इक्वल टू 2:3, तो लेट ए इक्वल टू एक्स सॉरी 2x एंड बी इक्वल टू 3x। Now xy is a line. अगर xy line है तो इसके ऊपर जितने एंगल बनेंगे उन सब का सम 180 डिग्री होगा। Therefore angle A plus B equal to 180 degree. Reason is xy is a line. Angle AB 2x.
90 degree equal to 180 degree. 2x plus 3x is 5x. And if we transpose 90 to that side, it will become 180 degree minus 90 degree. So 5x equals to 90 degree. X equal to 90 by 5. That is 18 degree. Now, A equal to 2x. Therefore, A equal to 2 into 18 degree, that is 36 degree. Angle B is 3x. So, angle B equal to 3 into 18 degree, that is 54 degree. Now, MN is a line. MN is a line. MN is a line. Therefore, B plus C will be 180 degree. क्योंकि ये एक line है, line के ऊपर ये दो angle हैं, तो इनका सम हो गया 180 degree. Therefore, angle B plus C equals to 180 degree, and the reason is linear pair. Value of B is 54. So put value of B as 54 plus C equals to 180 degree. If we will transpose 54 to that side, the angle C will be 180 degree minus 54 degree. That is 126 degree. So this is the way we will find C. Let's start sum number 3. In this sum, you are given a figure. Angle PQR equal to PRQ. This is angle PQR and this one is PRQ. So let us name these angles as 1 and 2. And I take this angle as 3 and this angle as 4. Angle PQS, that means angle 3. Angle PRT, that means angle 4. So we have to prove angle 3 equal to 4. ST is a line. Therefore, angle 1 plus 3 equals to 180 degree. Because it is a linear pair. Linear pair. Similarly, जिस तरह से 1 और 3 इस लाइन के ऊपर है लीनियर पेयर है उसी तरह से इसी लाइन पे 2 और 4 भी है तो 2 plus 4 will also be equal to 180 तो 2 plus 4 equal to 180 let this statement as number 1 and this as number 2 and from 1 and 2 1 plus 3 का सम 180 2 plus 4 का सम 180 That means 1 plus 3 equal to 2 plus 4. So 1 plus 3 equals to 2 plus 4. लेकिन हमारे को PQR equal to PR को दे रखा है. That means angle 1 और 2 equal है. Angle 1 और 2 कट गए क्योंकि angle 1 equal to 2 given था. Angle 3 equal to 4. Angle 3 means angle PQS and angle 4 means angle PRT. This is the way you can do this.